नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। देश का 22वां एम्स जो बनना है वो रेवाड़ी के जो एम्स जो बनना है वो मनेठी एम्स बनना है, लेकिन उसके साथ सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या क्या इनसे यहाँ से लाभ मिलने वाला, और यहाँ पे जो लगाया जाता है कि आरोप की काम नहीं चल रहा है, इस तरीके धरने दिए जाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज हमारा गाँव चेतरा डुमरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था, तो गांव चिता डोंगरा की सीमा में ही ये नज़दीक बालखी माजरा की सीमा में ही ये एम्स बनने जा रहा है। तो हमने मौके का मुआवजा निगरानी करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए हम यहाँ आए, और हमने देखा कि 200 एकड़ ज़मीन के अंदर एम्स बनेगा, तो उसकी चारदीवारी का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और 8 करोड़ की लागत से ये बाउंड्री बनेगी। और उसके बाद हमने ठेकेदार से भी कहा है कि इसको काम को थोड़ा तेज़ी दे ताकि समय पर ये प्रोजेक्ट पूरा हो सके। सर, आप यहाँ पे आए हैं, जिस तरीके आप देख रहे हैं चारद्वारी का, जिस तरीके का काम चल रहा है जैसे कि आपने, लेकिन एक आरोप लगता है कि बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगा, हम अपनी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे, तो किस तरीके देखते हैं आप इसे? देखो, उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज आपने ज़मीन पर आकर देख लिया काम हो रहा है, और जो कहते हैं कि हम बनवाएंगे वो अपने समय में तो कुछ बनवाया नहीं, और एम्स जैसी जो इतनी बड़ी संस्था है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी सरकार में उन्होंने क्या क्या संस्थाएं यहाँ बनवाई। क्या क्या सर यहाँ से लाभ मिलने वाला है आसपास के लोगों? सीधा लाभ तो स्वास्थ्य का लाभ तो मिलना ही है, इलाके को भी, आसपास के क्षेत्र को, राजस्थान को भी इसका लाभ मिलने वाला है। दूसरा, जो रोज़गार भी मिलेंगे और नौकरियाँ भी मिलेंगी, और जो हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको, जो डॉक्टर बनने हैं, कोई फार्मासिस्ट बने, कोई स्टाफ नर्स बने, फिजियोथेरेपिस्ट बने, लैब टेक्नीशियन बने, ये सारे कोर्स भी उसके अंदर आएंगे, तो हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उनको एजुकेशन मिलेगी और यहीं अपना रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन सर, काफ़ी समय से यहाँ पे जो धरना जो जारी है उसको आप लेके क्या, किस तरीके देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं चल रहा है, डॉक्टर साहब जो बयान देते हैं वो झूठ देते हैं, लेकिन आज हकीकत तो सामने आके आप मौके पर आए हो, तो आपने देखा, हमें भी देखा, लेकिन आप किस तरीके देखते हैं उनके बयान? देखो, मेरे को तो हकीकत का पता है, लेकिन ये आप उन्हीं से पूछो तो अच्छा रहेगा। इतने सर डॉक्टर बनवारी लाल जी, तो उन्होंने कहा कि मौके पर जो काम चल रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं वो मौके पर आके देखें। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।